हेलो एवरीवन, दिस इज़ उमाजी एंड यू आर वाचिंग मी ऑन लातुरकर उमाजी चैनल। सो दिस इज़ माय फर्स्ट व्लॉग विथ माय न्यू वीवो V29 5G के साथ। सो बेसिकली जब से मैं फ्रैंकफर्ट से मुंबई आया उसके बाद कोई व्लॉग ठीक से अपलोड नहीं हुआ है। कहीं पे तो शॉर्ट्स में मैंने डाल दिया था कि मैंने नया मोबाइल लिया, बट ऑफिशियली कोई ऐसा व्लॉग नहीं बनाया उसके बाद, बिकॉज नया फ़ोन लेने के लिए एक महीना लगा जब से मैं मेरा फ़ोन खो गया था। तो मैं बेसिकली हुआ ऐसे कि फ्रैंकफर्ट से बाद मुंबई आने के बाद मैंने मेरा ट्रेन बुकिंग किया था गांव के लिए, और जब से मैं गांव की ट्रेन में बैठा, जैसे ही बैठा तो वो 4 घंटा वो ट्रेन डिले था और जेट लैग, दोनों की वजह से मेरे को इतनी गंदी वाली नींद लग गई कि डूश, मतलब एक बार सो गया तो सीधा मोबाइल खोने के बाद ही मेरे को जाग आ गई। बेसिकली हुआ ऐसा ही कि मैंने पैकेट में जो है ना फ़ोन रखा था और मैं सो गया था, तो नींद लग गई अच्छी वाली, और उस नींद में मुझे पता ही नहीं चला कि पुणे स्टेशन पर मेरा फ़ोन चोरी हो गया। और जैसे ही ट्रेन का स्टेशन पास हो रहा था तब मुझे जाग आए, तब पता चला कि यू नो फ़ोन गायब हो चुका है। बट देन उसके बाद जो भी FIR वगैरह सब कर दिया, लेकिन ऑब्वियसली वो फ़ोन मिलेगा नहीं, वो थोड़ा बहुत आइडिया भी था, लेकिन वो घटना घटने के बाद एक महीना लग गया नया फ़ोन लेने के लिए। एंड देन आई हैव दिस न्यू फ़ोन विथ V29, जो अच्छा लग रहा है थोड़ा ब्लॉग करने के लिए। थोड़ा सा उसके और इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस तो डेफिनेटली दिखाई दे रहा है, बट या अभी ब्लॉग इसके लिए बना रहा हूँ बिकॉज आई एम हियर इन महाबलेश्वर। ये वाला रूम का टूर दिखा देता हूँ, कुछ इस तरह से रूम है। मैं ये टाइम मैं फैमिली के साथ हूँ, फ्रेंड्स लोगों के साथ नहीं हूँ, या फिर मैं अकेला भी नहीं हूँ, और आने का जो जरिया है मैंने अपनाया वो तो कोई बाइक नहीं है ना फोर व्हीलर नहीं है। मैं आज आया हूँ ट्रैवल्स में, 3 दिन के पैकेज के साथ आया हूँ, तो 3 दिन इधर देखते हैं एक्सप्लोर करते हैं, और आप लोग के साथ भी यहाँ पर देखने में मज़ा आएगा, मुझे भी देखने में मज़ा आएगा कि बहुत सारे पॉइंट्स है देखेंगे। सो बेसिकली सडनली प्लान बन गया था, इसके लिए कुछ खबर नहीं किया था, सडनली प्लान बन गया, वो 3 दिन पहले ही सडनली प्लान बन गया, सडनली फटफट फट बुकिंग कर लिया अपन और आ चुके हैं। सो अभी यहाँ से नहा भी के रेडी हो चुके, 2-3 लोग नहाना बाकी है, जैसे वो लोग रेडी हो जाएंगे तो अपन निकलेंगे मार्केट में। आज का दिन सिर्फ मार्केट घूमना है ऑन आवर ओन, जो भी शॉपिंग करना होगा कुछ लेना होगा तो वो ले लेंगे, और फिर कल से जो है यहाँ का साइट सीइंग शुरू हो जाएगा, कल एंड परसों, 2 दिन है अपने पास। सो जो भी है देखने लायक रहेगा उतना देख लेंगे, इतना ही आप लोगों को भी दिखा देंगे, चलो स्टे ट्यून्ड। सो यहाँ पे हम लोग ने अभी ब्रेकफास्ट किया, ब्रेकफास्ट कुछ ठीक ठाक ही था, आलू टिक्की, ब्रेड बटर एंड ऑनियन उत्तप्पा या फिर कुछ था, तो उतना टेस्टी था नहीं, कॉफ़ी थोड़ी ठीक ठाक लगी। एंड देन अभी ये लोग सिटिंग एरिया में हम लोग बैठे, यहाँ पे कैरम खेलने के लिए है, यहाँ पे रिसेप्शन है, एंड देन यहाँ पे एक देवी का मंदिर बना हुआ है। थोड़ा देर रिलैक्स करेंगे एंड देन उसके बाद जाएंगे मार्केट के अंदर, बिकॉज इट्स 10 o'clock, 10:10 हो रहा है, एक आधा एक घंटा टाइम पास करके फिर निकल जाएंगे, क्योंकि लंच का टाइमिंग जो है 1 बजे से लेके 3 बजे तक है। ऐसा स्ट्रक्चर इसका अच्छा है, बट फॉर सम रीज़न उतना ऐसा खास लग नहीं रहा है, लेट्स सी आगे के 2-3 दिन की सर्विस कैसे मिलती है। ये वाला सिटिंग एरिया है जहाँ पर हम लोग अभी बैठे, दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। ये वाला इसका एंट्रेंस है, सो ये वाला होटल है प्रताप हेरिटेज। फिलहाल दोपहर के 12:15 हो रहा है, बट टेम्परेचर इतना गिरा हुआ है कि समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा रूम के अंदर बड़ा ठंडा लग रहा है, लेकिन रूम के बाहर आने के बाद टेम्परेचर एकदम क्वाइट ओके हो चुका है, जस्ट बिकॉज दोपहर हो चुकी है। चलो देखते क्या मिलता है मार्केट में, यहाँ से लेफ्ट और राइट है तो दोनों साइड में जाएंगे तो मार्केट मिलेगा घूमने के लिए। 1:15 अब प्रॉबली 2 बजे तक वापस आ जाएंगे बिकॉज लंच टाइम स्टार्ट हो जाएगा, स्टे ट्यून्ड। ये मार्केट है यहाँ का, दोपहर का वक्त है शायद इसके लिए गर्दी उतनी है नहीं,
स्ट्रॉबेरीज हैंडमेड क्राफ्ट प्योर एलिमेंट्स मे बी परफ्यूम्स हर्बल्स शूज छोटे बच्चों के शूज कपड़े कॉम्प्टी सो इस एरिया का नाम कॉम्प्टी है शायद सर आफ्टरनून है ये वजह होगी गर्दी कम है या फिर इवनिंग में शायद मिल जाएगा ज़्यादा अच्छा खासा गर्दी ठंडी मुझे जितनी एक्सपेक्ट कर रहा था उतनी है नहीं 30 डिग्री हो चुका अभी आफ्टरनून है धूप भी अच्छी खासी लग रही ये तो दे दो चीज़ थोड़ी सी शॉपिंग हो गई है एक फैमिली के लिए मम्मी के लिए बेसिकली पर्स खरीदा हूँ और एक नॉर्मल पर्स दो पर्स है एक छोटा और एक नॉर्मल ऐसा हैंडबैग है वो खरीदा हूँ अभी मेरे लिए घर वालों को एक जैकेट बहुत अच्छा लगा एक्चुअली मुझे भी बहुत अच्छा लगा मैंने ट्राई किया बट उसमें एक वाइट कलर है और वो लास्ट पीस बचा है जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा जस्ट बिकॉज इट्स अ वाइट कलर तो मैं चाहता हूँ कि उसका कलर वो उसके अलावा कुछ और होता तो डेफिनेटली कुछ सोचता मैं लेने की बट इट्स इन प्राइस बेसिकली सो यहाँ पे प्रॉब्लम ऐसा प्रॉब्लम नहीं बोल सकते टूरिस्ट प्लेस है तो डेफिनेटली वो प्राइस जस्टिफाई करती है यही चीज़ें किधर और ख़रीदने जाएंगे तो थोड़ा बहुत डिफरेंस डेफिनेटली मिलेगा लेकिन हाँ तो वेरिएशंस तो डेफिनेटली है चीज़ों में अलग अलग वेरिएशंस के पर्स मिलेंगे किड्स के लिए एंड देन फुटवेयर ये सारी चीज़ें है थोड़ी एक्स्ट्रा मिलेगी देखने के लिए सो वहाँ पे जाता हूँ एक बार फिर से डबल राउंड हो रहा है देखता हूँ क्या मैं वो ख़रीद पाता हूँ जैकेट बेसिकली फिर मार्केट धीरे धीरे अभी रश बढ़ते जा रही है रश हो रहा है गर्दी अभी अभी धीरे धीरे बढ़ने चालू हो गई है इट्स 3 PM इन द इवनिंग और आफ्टरनून व्हाटएवर बट गर्दी धीरे धीरे बढ़ रही है और ठंडी वैसे ऐसे धीरे धीरे चालू हो रहा है सो यस क्लाइमेट जो चाहिए वैसा होने को है इसका मज़ा आने वाला दोपहर को 12 से 2 के बीच में अच्छा खासा धूप लगा इसमें से एक चप्पल घर वालों के लिए ख़रीदा है एंड देन दो पर्स लिया इसके अंदर है दो पर्स मोस्ट ऑफ द प्लेसेस प्लास्टिक बैन है जो कि अच्छी बात है यहाँ से एक रोड है लिमिटेड मार्केट है जितना भी मैंने जाके वो एंड तक देखा लिमिटेड मार्केट है बट जितना भी है वो एकदम सोफिस्टिकेटेड और मोस्टली क्लीन है सो लेट्स सी यहाँ से होता है जैकेट का मार्केट शुरू पहनने के बाद एक स्टैंडर्ड लुक आ रहा था जस्ट बिकॉज मे बी बिकॉज ऑफ वाइट कलर था इसके लिए या फिर वो एक्चुअल में था प्रीमियम
द प्राइस उसकी एक एवरेज लगी कंपेयर टू अदर क्लॉथ्स दैट आई हैव बीन लुकिंग फॉर. सी मार्केट. क्या बोल रहा है? हाँ हाँ लगा. और स्वीट में क्या हुआ? स्वीट में सी ठीक लास्ट में. सो बज रहा अभी 2:34 और हम लोग आए लंच करने के लिए. यहाँ पे वेज आइटम ज़्यादा मिलते हैं, नॉन वेज आइटम मोस्टली वेज ही मिलता है. तो ये वाला होटल स्पेशली वेज के लिए फेमस है. इसमें ये वाले वेज के आइटम्स हैं. स्वीट्स में सेवैया है. सब लोग खा के ऑलमोस्ट निकल चुके हैं. हम लोग आए हैं, ये हमारा प्लेस है और हम लोग करते हैं इसमें स्टार्ट. एंड पहले आपको आना है सो एज आई मैंशनड दो चपाती और ये दम आलू है जो कि अंडे की तरह दिख रहा था और पाव भाजी का है ऑप्शन. मैंने पाव का भाजी नहीं लिया लेकिन इसके बाद ले लूँगा. यहाँ पे एक प्लेट में हमने लिया है पाव भाजी, सूप, मालपोवा, शेव एंड शेवपूरी. ऑप्शन तो अच्छे दिख रहे, देखते हैं टेस्ट में कैसा है. लेट्स हैव इट. ओके तो खाना खाने के बाद थोड़ा सा टाइम पास किया नीचे, थोड़ा सा फ़ोटो वगैरह निकाला, थोड़ा स्नैप्स डाला है और वो थोड़ा सा फंक्शन ट्रिक वाला जो था वो थोड़ा एंजॉय किया. थोड़ा टाइम पास वहाँ पे करने के बाद ऊपर आए हैं. अभी हो रहे 10:30 इन द नाइट और अभी सोते हैं जल्दी ताकि कल सुबह के लिए उठना है जल्दी. 9 बजे तक का टाइम दिया है, उसके लिए रेडी रहना है. तो फिलहाल टाइम पास करेंगे आधा एक घंटा और ट्राई करेंगे कि जल्दी सो जाएंगे. तो 6 बजे तक या फिर मैक्सिमम 7 बजे तक उठेंगे तो 1 घंटे में रेडी होकर सब लोग नीचे चले जाएंगे एंड देन विल स्टार्ट विद द साइट सीइंग. तो कल के प्लान में क्या क्या है वो कल ही पता चलेगा बिकॉज स्टिल यू नो डाइसी है कौन सा फर्स्ट होने वाला है.
उसमें क्या पहले लेने वाले हैं, मंदिर जाना है या फिर प्रतापगढ़ जाना है या फिर कोई और प्लेसेस को यू नो प्रायोरिटी देने वाला है, वो कल ही पता चलेगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल के व्लॉग में, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय।